क्वाड्रेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो क्वाड्रेंट्स हमारे पास दरअसल फोर है, ठीक है। कौन कौन से? नंबर वन है हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट, नंबर टू है हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, नंबर थ्री है हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट, फोर्थ वन इज ओवर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। Have you got it, respected students? इसी तरह हमारे पास नाइन रीजन्स है, ठीक है। नाइन रीजन्स कौन कौन से? उनके नाम आपने बिल्कुल रटने हैं, ठीक है। जैसे फार्माकोलॉजी में आप ड्रग्स रटेंगे, इसी तरह इनको आपने रटना है, इनको यानी याद करना है देख करके, डायग्राम बना करके, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, नंबर वन है हमारे पास respected students, इसमें से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट डाउन प्लीज, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। नंबर टू है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट डाउन प्लीज एपिगैस्ट्रिक रीजन। नंबर थ्री है हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, पहले था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अब है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा, फोर्थ वन क्या है हमारे पास? राइट लंबर रीजन, लिखे प्लीज राइट लंबर रीजन। इसी तरह फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? उम्बिलिकल रीजन स्टूडेंट्स, क्या है रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? उम्बिलिकल रीजन। ऐसा इसी तरह सिक्स्थ वन हमारे पास क्या है? लेफ्ट लंबर रीजन, पहले राइट लंबर रीजन, अब लेफ्ट लंबर रीजन। अच्छा, सेवेंथ वन हमारे पास क्या है? राइट इंग्विनल रीजन, लिखे शाबाश राइट इंग्विनल रीजन। इसी तरह हमारे पास जो एट्थ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और नाइन्थ जो है हमारे पास लास्ट वन वो है हमारे पास लेफ्ट इंग्विनल रीजन, ठीक है लेफ्ट इंग्विनल रीजन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चार बॉडी के क्वाड्रेंट्स और नाइन बॉडी के रीजन्स। अब हम देखेंगे इन रीजन्स में, इन क्वाड्रेंट्स में बॉडी के कौन से ऑर्गन्स आती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। अच्छा, पहले चलते हैं हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के ऊपर कि देखेंगे कि भाई राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन आता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में जी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ अगर हम इमेजिनरी बॉडी की चीजें बनाए तो यहाँ हमारे पास स्टमक मौजूद है, ठीक है। इधर हमारे पास स्टूडेंट लीवर मौजूद है, यहाँ साइड में हमारे पास किडनीज मौजूद है, इसी तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा रेक्टम और यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है, सॉरी गॉल ब्लैडर नहीं, गॉल ब्लैडर लीवर में आ गया, यहाँ हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की अगर बात करें कि यहाँ कौन से ऑर्गन आते हैं ड्यू स्टूडेंट्स, तो वहां हमारे पास नंबर वन हमारे पास क्या आता है ड्यू स्टूडेंट्स? लीवर आता है, ठीक है। लीवर यहाँ से यू स्पेन हो रहा है, लीवर आता है, ठीक है। राइट किडनी का टिप आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ड्यू स्टूडेंट्स क्या आता है? गॉल ब्लैडर, क्या? गॉल ब्लैडर जो लीवर के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? लीवर आ गया हमारा नंबर वन, लीवर नंबर टू राइट किडनी, नंबर थ्री गॉल ब्लैडर, नंबर फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन की अगर बात करें स्टूडेंट्स हम, उसमें हमारे पास क्या आएगा? नंबर वन लीवर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्टमक आएगा, ठीक है। लीवर यहाँ से यू स्पेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्टमक भी मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ भी आ रहा था, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास स्टमक आ गया और इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा? असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और हमारा यहाँ पर पेनक्रियास भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पेनक्रियास के अलावा और क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? मोस्टली यही चीजें हैं, ठीक है। अगर लोअर क्वाड्रेंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ से यू लीवर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, यानी लीवर का टिप मौजूद होगा, ठीक है। नंबर वन लीवर का टिप मौजूद होगा। इसी तरह स्टमक यहाँ से यूं होता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्टमक भी मौजूद होगा। इसी तरह पेनक्रियास भी मौजूद होगा, लेफ्ट किडनी भी मौजूद होगा,
स्प्लीन मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कह रहे हो स्टूडेंट्स, टिप ऑफ द लीवर नंबर वन, नंबर टू स्टमक, नंबर थ्री पेंक्रियास, नंबर फोर किडनी के लेफ्ट किडनी, फिफ्थ वन स्प्लीन, सिक्स्थ वन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, सेवेंथ वन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा अगर राइट लंबर रीजन की बात करें जो स्टूडेंट, तो राइट लंबर रीजन में हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ से अगर किडनी यूं आ रहा है तो किडनी का राइट पोर्शन आएगा, ठीक है राइट किडनी, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है राइट किडनी राइट डाउन शाबाश स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह असेंडिंग कोलोन, किसका असेंडिंग कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन कौन सा, जो ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट उम्बिलिकल रीजन की, ठीक है उम्बिलिकल रीजन की अगर हम देखें तो हमारे पास उसमें क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है ट्रांसवर्स कोलोन जो यूं होता हुआ जाता है यहाँ से असेंडिंग कोलोन, फिर यूं ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है फिर यूं नीचे डिसेंडिंग कोलोन आएगा, ठीक है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, ड्यूडिनम आएगा जो स्टूडेंट्स, ठीक है ड्यूडिनम लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ड्यूडिनम वो। लेफ्ट लंबर रीजन की अगर बात करें जो स्टूडेंट, तो लेफ्ट लंबर रीजन में हमारे पास क्या आएगा, नंबर वन लेफ्ट किडनी, किडनी का शेप कुछ यूं हो रहा है इसलिए लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है यहाँ राइट लंबर रीजन में हमारे पास असेंडिंग कोलोन आ रहा था और लेफ्ट लोअर क्वार्टर रीजन में हमारे पास क्या आएगा, डिसेंडिंग कोलोन आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर राइट इंग्यूइनल रीजन की बात करें जो कि सातवां रीजन है हमारा, उसमें हमारे पास क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, अपेंडिक्स मौजूद होगा, ठीक है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जब ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलोन जा रहा है तो यहाँ से टिप मौजूद होता है जिसका अपेंडिक्स का, ठीक है इसी तरह अपेंडिक्स होगा, सीकम होगा यहाँ से घूम करके, ठीक है सीकम होगा और असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ मौजूद होगा। स्टूडेंट्स अगर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की बात करें जो स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारे पास नंबर वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है इसी तरह हमारे पास हमारा मौजूद होगा इसमें ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, नॉट गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर हमारा यहाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आएगा, ठीक है और यूरिनरी ब्लेडर हमारा कहाँ आएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट इंग्यूइनल रीजन की जो स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट इंग्यूइनल रीजन हमारा नाइन्थवा और आखिरी रीजन है, उसमें हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही डिसेंडिंग कोलोन आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वहां से हमारे क्या होगा, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है सिग्मोइड कोलोन जो मुड़ेगा, नंबर वन हमारे पास सिग्मोइड कोलोन होगा, ठीक है नंबर टू हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन होगा, इसी तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे हमारे पास एब्डोमिनल रीजन्स और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, ठीक है एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये था हमारा पार्ट टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वन से फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर वन, जो कि हमारा था बॉडी एज अ होल, उसका ये था हमारे पास पार्ट टू, जिसमें हमने एब्डोमिनल कैविटीज पढ़ी, ठीक है एब्डोमिनल कैविटीज कौन कौन सी थी, क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ये थे हमारे कैविटीज। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी को हमने जो है वो खुल करके बयान किया, ठीक है जी स्टूडेंट्स।